आगे बढ़ाता, आज मातम हो जाएगा। असादारो गैरतमंदो, तेरी बहन ने तो सुनेगी मगर मेरी सुनने वाली तो मदीने रह गई। असादारो गैरतमंदो, हुसैन फरमाते अकबर बेटा मेरा वादा है, आज तू आजान दे तेरी बहन भी सुनेगी और मेरी बहनें भी सुनेगी। मैं हवा को हुक्म दे रहा हूँ, हवा ये आवाज फातिमा सुगरा तक पहुंचा। हुसैन ने इमाम हो के हुक्म दिया, अकबर ने कहा अल्लाहु अकबर। असादारो इधर अकबर के नक्शे कदम पे मुंह रख के सोई हुई थी अकबर के हिस्से की बहन, यूं ही अकबर की सदाए अल्लाह अकबर फातिमा सुगरा के कानों पे पहुंची, फौरन जागी, जाग के जनाबे हजरत उम्मे सलमा की तरफ दौड़ी। दौड़ी किस हालत में, 7 साल की सैयद सादी, बाल हो चुके थे सफेद, 7 साल की जईफ हो चुकी थी। असादारो दौड़ी मगर 7 मरतबा जमीन पे गिर गई, फिर गिर के उठी, फिर दौड़ी। दौड़ के कहा आई जनाबी उम्मे सलमा जहां बैठी थी, कहा नानी अम्मा मुझे लगता है मेरा अकबर आ गया, मुझे लगता है हमारे रिश्तेदार आ गए। कहा फातिमा सुगरा भूल रही है, तेरे रिश्तेदार बड़े दूर हैं, वो इतनी जल्दी नहीं आ सकते। कहा अम्मा मैं हर शय से भूल सकती हूँ मगर मैं अकबर के लहजे से नहीं भूल सकती, वो जरा सुन तो सही मेरा अकबर आजान दे रहा है। गैरतमंदो, अब सुबह आशूर हुई, यारो अंसार की शहादतों के बाद हुसैन अपने जवान बेटे को बाजू से पकड़ के एक टीले के करीब ले गए। कहा अकबर बेटा, अकबर बेटा, मैं चाहता हूं बनू हाशिम में सबसे पहली जो लाश आए वो हुसैन के अकबर की लाश हो, ताकि कोई बीबी ये ना कहे हुसैन ने अपना बेटा प्यारा कर लिया, हमारे बेटे पहले कुर्बान हो गए, लिहाजा मैं चाहता हूं सबसे पहले अकबर तू जा। जब कहा ना सबसे पहले तू जा, असादारो उस वक्त अकबर कहता है बाबा मुझे एक सवाल का जवाब दे। कहा अकबर कौन सा सवाल? कहा बाबा ये बता नूर नबी की उम्र कितनी थी? कहा बेटा 2500 साल। बाबा अंजाम? हुसैन फरमाते हैं मौत। उस वक्त अकबर रो के कहता है बाबा 2500 साल तो भी अंजाम मौत, और अगर 18 साल तो भी अंजाम मौत, अगर तो जैसे बाबा के कदमों पे मर जाओ मुझे और क्या चाहिए? हुसैन ने कहा अच्छा अकबर मैं तेरे हौसले की दाद देता हूं, मगर अकबर बेटा मैदान में जाने से पहले एक मरतबा घर में जाओ, सारे पर्दादारों को सलाम कर, एक एक पर्दादार को सलाम कर, हर एक से इजाजत लेके फिर आ। असादारो अकबर घर में आया, सबसे पहले अपनी फूफी जैनब के खेमे में गया, जैनब के खेमे में जाके सलाम किया, बीबी उठ खड़ी हुई, नाने की शक्ल की ताजीम की। अब बीबी ने कहा मेरे साथ बैठ, मगर अकबर जमीन पे बैठ गया। कहा अकबर जमीन पे क्यों बैठ गया? कहा फूफी अम्मा मैं आज एक सवाल पूछने आया हूं। कहा कौन सा सवाल? कहा फूफी अम्मा मुझे ये बता 13 मरतबा ज्यादा है या मेरी दादी जहरा का मर्तबा ज्यादा है? असादारो इतने में मेरे मौला हुसैन भी आ गए, जब सुना ना कि अकबर कह रहा है फूफी अम्मा ये बता कि 13 मरतबा ज्यादा है या मेरी दादी जहरा का, हुसैन दोनों हाथ जमीन में रख के कहता है आज मैं भी सुनूंगा। बेटा मांगता क्या है, मां देती क्या है? हुसैन भी बैठ गए। अब जब अकबर ने पूछा ना फूफी अम्मा 13 मरतबा ज्यादा है या मेरी दादी जहरा का, बीबी कहती है अकबर ये तूने क्या सवाल किया, तेरी दादी का मर्तबा बहुत ज्यादा है, मेरा उससे मर्तबा बहुत कम है, मैं जहरा की बेटी हूं वो मेरी माँ है, उसका मर्तबा ज्यादा है। जब कहा ना तेरी दादी का मर्तबा ज्यादा है, उस वक्त अकबर कहता है अम्मा अब सवाल सिर्फ इतना है क्या तू अपना बेटा अपनी माँ के बेटे पे कुर्बान करना चाहती है? इतना खूबसूरत अंदाज सवाल करने का, जब हुसैन ने सुना ना हुसैन तड़प के उठे, उठ के दोनों हाथ
कमर में रखे, कमर पे रख के कहा, ज़ैनब क्या हम कहते नहीं थे, आज हम सुनेंगे कि अकबर मांगता कैसे है, अकबर की पालने वाली माँ देती कैसे है। आज़ादारों, जनाबे ज़ैनब ने इजाजत दे दी, अब अकबर कहाँ आया जनाबे लैला के खेमे। अम्मा इजाजत का, अकबर रात की इजाजतें दे चुकी हूं। अम्मा अच्छा मैं फिर जाऊं का, अकबर बेशक जा मगर एक और ख्वाहिश है वो पूरी करके जा। अम्मा कौन सी ख्वाहिश का, अकबर मैं तेरे लिए हर साल एक जोड़ा बनवाती थी कि कभी अकबर मांग ले तो मैं दे सकूं, मगर पूरी जिंदगी में तूने मांगा ही नहीं, मैं दे नहीं सकी। तू भी 18 साल का हो गया, तेरे जोड़े भी 18 हो गए। अकबर मां की ख्वाहिश है एक मर्तबा ये जोड़े बदन से मस करके रखता जा, ताकि शाम में गरीबा जब मुसलमान लूटने के लिए आए, तेरी मां के दिल में अरमान न रहे, मैं कह दूं अकबर के बदन की ज़कात जा रही है। आज़ादारो, बीबी ने एक एक जोड़ा निकाल के अकबर के बदन से मस करना शुरू किया, रखती गई। आज़ादारो, अब जो मातम करके रोने के आदमी, जुमला सुनना, आखिर में बीबी ने निकाला 18वां जोड़ा। का अकबर ये जोड़ा भी देख, माँ की ज़ईफ़ी भी देख, अपनी जवानी भी देख। अकबर ये जोड़ा मैंने तेरी शादी के लिए बनवाया था। अकबर अब तेरी शादी हो रही है मौत से, माँ की ख्वाहिश है ये जोड़ा पहन के जा। आज़ादारो, अकबर ने जोड़ा पहना, बीबी ने तबर्रुकात अंबिया मंगवाए, अकबर को अबाए मोहम्मद, कब आए अली से तन की, फिर तबर्रुकात अंबिया में से दस्तार इब्राहिम निकाली, निकाल के अकबर के सर पे बांधना शुरू की। आज़ादारो, अभी पहला पेच दिया था कि इतने में हुसैन आ गए। कहा लैला ये क्या कर रही है, कहा बेटे को तैयार कर रही हूं। कहा लैला बेटों को पगड़ियां माए नहीं बजाती, ये बाप का काम है। ये कह के हुसैन आगे बढ़ा, दस्तार पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा अम्मा फिजा जाओ, मेरी ज़ैनब से कहो, उम्मे कुलसूम से कहो, सारी बीबियों से कहो कि आओ लैला के खैमे में हुसैन अपने बेटे को तैयार कर रहा है, आओ देखो। सारी बीबियां इकट्ठी हुई, हुसैन ने दस्तार बांधनी शुरू की। आज़ादारो, एक एक पेज के साथ हुसैन कुरान की एक एक आयत पढ़ता चला आया। आज़ादारो, अब अरब का दस्तूर है, बोल अमामा बांधते हैं, मगर तेरे मौला ने एक पल्लू लंबा रख दिया। एक पल्लू लंबा रख के हुसैन फरमाते हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम जरा एक मरतबा दूसरी तरह मुंह करो, सारी बीबियां दूसरी तरह मुंह करो, ताकि मैं अकबर को दस्तार बंधा सकूं। सारी बीबियों ने दूसरी तरह मुंह किया, हुसैन ने पड़ा हुआ पल्लू उठा के इसके साथ तातुल हनक बांधी। तातुल हनक बांध के कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ादारो, गैरतमंदो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की आयत सुनना थी। ज़ैनब ने पलट के देखा, कहा हुसैन बताता क्यों नहीं, ये मेरे घर से अकबर जा रहा है या अकबर का जनाजा जा रहा है। आज़ादारो, हुसैन ने अब अकबर को तैयार करके बाहर भेजा। आज़ादारो, अकबर जा रहा है, तेरा मौला पीछे पीछे आ रहा है। अकबर ने मुड़ के देखा कि बाबा साथ है। एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं। आज़ादारो, मुझे कसम है अकबर के इसी जनाजे की, ये पहला शहीद है अकबर। जब जाने लगता ना, दो कदम चलता हुसैन कहते, अकबर बेटा जरा वापस आ, बाबे को मुंह तो चुमवा। फिर मुंह चूमते, फिर इजाजत देते। आज़ादारो, गैरतमंदो, ये तो है गरीब बाप की हालत, अब सुनोगे गरीब की मां की क्या हालत है। आज़ादारो, गैरतमंदो, जब अकबर की मैयत आई ना खैमे, हर बीबी रोने के लिए आई अकबर की मैयत पे, मगर रोने वालियों में हुसैन को अकबर की मां लैला नजर नहीं आई। कहा अम्मा फिजा जरा पता तो कर अकबर की मां कहां है। जनाब फिजा जब गई खैमे में क्या देखती है, जनाब लैला कभी खैमे में दाएं गिर जाती है, कभी बाएं गिर जाती है। जनाब फिजा ने कहा, अकबर की मां तेरे बेटे की लाश आई, तू रोने के लिए क्यों नहीं आई।
कहा अम्मा फिजा मुझे नजर कुछ नहीं आता, मेरा नूरे नजर जाता रहा, मेरा अकबर मारा गया, मुझे नजर कुछ नहीं आता। जनाब फिजा ने बाजू से पकड़ा, पकड़ के अकबर के लाशे पिलाया, कहा बीबी ये है तेरे बेटे का लाशा, अब यहाँ बैठ के रो। मगर जनाब लैला रोई नहीं। अब तेरे मौला हुसैन ने देखा कि लैला रो नहीं रही, कहा लैला मैं हुसैन कहता हूँ रो, मगर लैला नहीं रोई। दोबारा कहा लैला मैं हुसैन कहता हूँ रो, मगर लैला नहीं रोई। जब देखा ना हुसैन ने कि लैला रो ही नहीं रही, हुसैन ने कहा मैं इमाम हो के हुक्म देता हूँ कि लैला रो। मौला क्यों रो? कहा इसलिए कि जो माए जवान बेटों पे नहीं ना रोती वो वक्त से पहले मर जाती है, और अभी तेरी हुसैन को जरूरत है, अभी बाजार बाकी है, अभी दरबार बाकी है, इसलिए रो। अजादारो जब हुसैन ने हुक्म दिया ना कि लैला रो, अजादारो अब भी रो ही नहीं, उठी, एक काम क्या किया अजादारो, वहां आई जहां अली की बेटियां खड़ी थी, वहां आके सबसे पहले जनाब ज़ैनब के कदमों पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा अली की बेटी क्या इजाजत है कि मैं तेरे अकबर को बेटा कह के रो लूं? अली की बेटी क्या इजाजत है कि मैं तेरे अकबर को बेटा कह के रो लूं? अजादारो जनाब ज़ैनब ने इजाजत दी, अजादारो इजाजत मिलना थी। बीबी वापस आई, अकबर के सीने के करीब बैठ के कहा हुसैन सरदार आज जिंदगी में पहली मर्तबा सवाल कर रही हूँ, हुसैन सरदार अगर मैंने रोना है फिर आप देख नहीं सकेंगे, जरा दूसरी तरफ मुंह करें। हुसैन ने दूसरी तरफ मुंह किया, कहा पाक बीबी ज़ैनब जरा तू भी दूसरी तरफ मुंह कर। जनाब ज़ैनब ने भी दूसरी तरफ मुंह किया। अब बीबी ने क्या किया, अकबर के करीब आके अकबर के सीने का हाथ उठाया, हाथ उठा के चुल्लू में खून लिया, खून लेके अपने सफेद बालों पे मलना शुरू किया। इतने में सकीना की नजर पड़ गई, दौड़ी हुई आई, फूफी का दामन पकड़ा, फूफी अम्मा देख तो सही मेरी अम्मा क्या कर रही है। जनाब ज़ैनब ने जो ही देखा, कहा लैला ये क्या कर रही हो, कहीं क़यामत ना आ जाए। कहा ए अली ज़ादी, ए ज़ारा ज़ादी, मेरी मन्नत थी कि जब अकबर की शादी होगी मैं सर पे खिजाब करूंगी, मेरे बेटे की शादी मौत से हो गई, मैं अकबर के खून से खिजाब कर रही हूँ। असादारो आ गई है अकबर की माँ पर्दे में, आ गया है गरीब का जनाजा, सकीना पूछ रही है असादारो क्या मेरा अकबर नेजों के काबिल था।